हम समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नेता स्वयं जब कुछ बात होगी तो आप लोगों से खुद रूबरू होंगे और इस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। और हम लोग सब लोग भीम संवाद में बाहर थे और माननीय नेता का कार्यक्रम एकाएक बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और उनके पार्टी के नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो क्या करने गए हैं, विपक्ष को एकजुट करने गए हैं या निजी काम से गए हैं या गठबंधन के लिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी अशोक चौधरी का बयान हम आपको सुनवाएंगे। भीम चौपाल में अशोक चौधरी बिहार में घूम रहे थे और लगातार अब वो पटना में बने हुए हैं और इसी बीच सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा लग गया और उन्हें जानकारी तक नहीं है। सवाल यह था कि मुख्यमंत्री विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली गए हैं, क्या कुछ मसला है, कैसे विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। अशोक चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में कुछ जानना तो ललन सिंह से पूछ लीजिए या खुद नीतीश कुमार से। पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या करने गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार के मंत्री और वो भी करीबी मंत्री अशोक चौधरी, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है तो आखिर जनता दल यूनाइटेड को और जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं को क्या जानकारी रहेगी। पूरा बयान सुनवाते हैं जब ये सवाल किया गया कि आखिर मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, क्या मसला है, क्या बातचीत है, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। स्पष्ट तौर पे अशोक चौधरी या तो जवाब नहीं देना चाह रहे थे या पार्टी में किसी बात को लेकर नाराजगी है, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि अशोक चौधरी का बयान इस तरह का आया है। अक्सर मुखरता से बोलने वाले अशोक चौधरी इस तरीके से बयान दे रहे थे जैसे वो पार्टी के नेता हैं ही नहीं। सुनवाते हैं उनके पूरे बयान को। देखिए, एक तो है कि माननीय नेता से इस विषय में हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई है और हम लोग सब लोग भीम संवाद में बाहर थे और माननीय नेता का कार्यक्रम एकाएक बना है और माननीय नेता किस कार्य के उद्देश्य से दिल्ली गए हैं हम समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नेता स्वयं जब कुछ बात होगी तो आप लोगों से खुद रूबरू होंगे और इस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। हम लोगों की जानकारी में ये सब बातें नहीं है कि विपक्षी एकता के लिए गए हैं या किस कार्यक्रम के लिए गए हैं, लेकिन राजनीतिक दल हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेता स्वयं जरूर आप लोगों से इस बारे में अपनी बात को रखेंगे। राहुल गांधी को अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।